सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल टेक राज को और बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट टेक वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 5 ऐसे स्मार्टफोन जिन्हें आप फ्लिपकार्ट की सेल में खरीद सकते हो 10,000 के अंडर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इन फोन को अभी खरीदते हो या फिर सेल के बाद खरीदते हो तो ये फ़ोन आपको थोड़ा महंगा मिलेंगे, लेकिन अगर आप इन फोन को सेल के अंदर खरीदोगे तो ये आपको 10,000 के अंडर देखने को मिल जाएंगे, जिसमें दोस्तों एक फ़ोन थोड़ा महंगा है लेकिन वो इस लिस्ट का सबसे अच्छा फ़ोन है। दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो और मैं आपको इन पांचों फ़ोन के बारे में बताता हूँ कि कौन कौन से फ़ोन हैं जिन्हें आप 10,000 के अंडर खरीद सकते हो। दोस्तों इन पांचों फ़ोनों को आप तभी खरीद सकते हो 10,000 के अंडर जब आपके पास SBI कार्ड होगा। दोस्तों पहले फ़ोन की बात करें तो वो आता है पोको की तरफ से, जो दोस्तों पोको का C3। दोस्तों इस फ़ोन का जो 4GB 64GB वेरियंट है वो आपको इस सेल में 9,000 रुपये का देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आपके पास SBI कार्ड है तो ये फ़ोन आपको 8,000 रुपये में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों 8,000 रुपये में पोको का C3 काफ़ी अच्छा फ़ोन है 4GB 64GB वाला। दोस्तों दूसरे फ़ोन की बात करें तो ये आता है पोको की तरफ से पोको M2। दोस्तों ये फ़ोन आपको इस सेल के अंदर 10,500 रुपये का देखने को मिल जाएगा, लेकिन अगर आपके पास SBI कार्ड है दोस्तों आपको 1,000 रुपये डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, तो ये फ़ोन आपको 9,500 रुपये देखने को मिल जाएगा, जो कि दोस्तों काफ़ी अच्छी डील है। इसका 6GB 64GB वाला वेरियंट आपको 9,500 रुपये में पड़ सकता है अगर आपके पास SBI कार्ड है तो। दोस्तों तीसरा फ़ोन आता है इनफिनिक्स की तरफ से, जो दोस्तों इनफिनिक्स Note 7। इस फ़ोन का 4GB 64GB वाला वेरियंट आपको 11,000 रुपये में देखने को मिल जाएगा, लेकिन अगर आपके पास SBI कार्ड है तो ये फ़ोन आपको 10,100 रुपये में पड़ सकता है। इस फ़ोन में दोस्तों आपको Helio का G70 प्रोसेसर देखने को मिलता है और 5,000 की बड़ी बड़ी देखने को मिलती है। तो दोस्तों 10,000 रुपये में काफ़ी अच्छी डील है, आप इस फ़ोन को ले सकते हो। दोस्तों चौथे फ़ोन की बात करें तो ये आता है मोटोरोला की तरफ से मोटो का G9। दोस्तों इसका 4GB 64GB वाला वेरियंट आपको 10,000 रुपये में देखने को मिल जाएगा, अगर आपके पास SBI कार्ड है तो ये फ़ोन आपको 9,000 रुपये में पड़ सकता है। दोस्तों इसमें 5,000 की बड़ी बड़ी दे गई है और इसका जो प्रोसेसर है वो है स्नैपड्रैगन का 662। दोस्तों काफ़ी अच्छा फ़ोन है, 9,000 रुपये में आप इस फ़ोन को ले सकते हो, काफ़ी अच्छी डील है। अब दोस्तों बात करते हैं इस लिस्ट के आखिरी फ़ोन की, जो है दोस्तों रियलमी की तरफ से रियलमी का Realme 7i। आपको इस सेल में 12,000 रुपये देखने को मिल जाएगा, लेकिन अगर आपके पास SBI कार्ड है तो ये फ़ोन आपको 10,800 में पड़ जाएगा। दोस्तों ये फ़ोन 10,000 से थोड़ा महंगा है, लेकिन इस फ़ोन के अंदर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा फीचर दिए गए हैं। इसका जो कैमरा है वो 64 मेगापिक्सल का है, तो दोस्तों 10,000 रुपये में आपको 64 मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिल रहा है और रियलमी की ब्रांड है दोस्तों। और दोस्तों काफ़ी अच्छा फ़ोन है, आप इसे भी ले सकते हो 10,800 में। आपके 700-800 रुपये थोड़ा एक्स्ट्रा आएंगे, लेकिन अगर आप 700-800 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करते हो तो आपको एक कंप्लीट डिवाइस मिल जाएगा इस सेल के अंदर। दोस्तों जीते हो 5 फ़ोन जिन्हें आप 10,000 रुपये के आसपास खरीद सकते हो, जो दोस्तों काफ़ी अच्छी डील है। अगर आप इन फ़ोन को सेल के बाद खरीदते हो या फिर सेल से पहले खरीदते हो तो ये फ़ोन आपको 10,000 से ऊपर मिलेंगे। दोस्तों अगर आप एक ऐसा फ़ोन लेना चाहते हो जो 10,000 रुपये के अंदर हो या फिर 10,000 रुपये के आसपास हो तो आप इन 5 फ़ोन में से कोई सा भी फ़ोन ले सकते हो। ये 5 फ़ोन दोस्तों काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप 10,000 से थोड़ा ऊपर खर्च करना चाहते हो तो आप Realme 7i ले सकते हो, जो दोस्तों एक कंप्लीट डिवाइस है। इसका जो कैमरा है काफ़ी अच्छा है और दोस्तों इसका जो प्रोसेसर है वो भी काफ़ी अच्छा दिया गया है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा कि 10,000 रुपये में आप कौन सा फ़ोन खरीद सकते हो इस फ्लिपकार्ट की वीकली सेल के अंदर। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और अभी तक हमसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं सारी वीडियो आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।